सुमित जी, बाबा सेज आई एम एन एवरीवन। इन जी फैक्ट वी सी मेनी टाइम्स रिलेशंस आर वन साइडेड, सो शुड वी कंटिन्यू विद वन साइडेड एफर्ट और रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। द लैटर हर्ट्स एंड वी कीप थिंकिंग वाई अ पर्सन इज बिहेविंग दैट वे। हाउ टू डिसाइड वॉट इज करेक्ट सो वी डोंट अट्रैक्ट नेगेटिव कर्मा एंड डिसअपॉइंट बाबा। इस पे एक बाबा की, नाना साहब चांदोरकर को दी हुई सीख मुझे याद आ जाती है कि कोई यदि तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और तुम उसको कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम उससे ऐसा व्यवहार तो मत करो कि तुम उसका अपमान करो। टू दिस इफेक्ट उन्होंने बड़ा अच्छे एक व्याख्या की हुई है। ऐसे में शुभ्रा जी, यदि बाबा ने ये कहा है कि मैं सभी मनुष्यों में या सभी जीवात्माओं में, मेरा तो ये मानना है कि जड़ और चेतन सभी में साई, ये हमारी अनुभूति का विषय है। यदि हम इस अनुभूति के साथ जीते हैं तो आपको फिर इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके रिश्तेदार आपसे कैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस रख रहे हैं। आपको अच्छा रखना है, आपको उनके अंदर बाबा के दर्शन करने हैं, आपको ये मान करके चलना है कि बाबा उनके अंदर है, तो आप अपना मानिए। उनके व्यवहार से आपके व्यवहार में यदि कोई फर्क पड़ता है तो आपकी भक्ति में कुछ कमी है मान के चलिए। फिर आप जो है वो क्या बराबरी का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि यदि आप अपना बिहेवियर अच्छा रखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आपके प्रति, अंग्रेजी में कहूं कि इनडिफरेंट है, या हिंदी में कहूं तो कि असंवेदनशील है, या वो आपको उसी लेवल पर जाकर के आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आपको प्रतिध्वनि नहीं दे पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप अपना व्यवहार बना करके रखिए। उनको जैसा करना है वैसा करें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, या बाबा के 11 वचन में हम बात करें तो जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो आपका भाव है कि उन व्यक्ति में बाबा है तो आप उनको बाबा मान करके उनके साथ आप ट्रांजैक्ट करिए, और यदि आपको लगता है कि वो उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं तो कोई राग और द्वेष मत रखिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स मत समझने दीजिए ना, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है। यदि उनके व्यवहार से आपका व्यवहार प्रभावित होता है तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप कंट्रोल उनसे हो रहे हैं, आप अपने नियंत्रण में नहीं है। यदि आपके व्यवहार, अच्छे व्यवहार को आप रखते हुए इन बातों से आप विमुख हो जाते हैं कि वो हमारे प्रति कैसा व्यवहार रख रहा है, तो हम साईं की भक्ति कर रहे हैं, हमको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अच्छे बने रहे, हम उनके अंदर साईं के दर्शन करें। मुश्किल होता है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, लेकिन बाद में मैंने अनुभव किया है, रियलाइज किया है कि हम यदि अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, यदि किसी के व्यवहार से हमारे व्यवहार पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहता, तो हमको बहुत अच्छे से अपना व्यवहार रखना चाहिए, और यदि वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो उनकी जैसी मर्जी, आप अच्छे बने रहिए। सुमित जी, बट जी ऐसा होता है कई बार कि कोई कॉन्वर्सेशन छेड़ देता है एंड फिर वो गरम गरम कॉन्वर्सेशन हो जाता है, गलत गुस्से वाला चिल्ला मिल्ली वाला हो जाता है, तो उस वक्त किस प्रकार अपने आप को कोई कंट्रोल कर आप सकता। दाभोलकर जी का वो लिखा हुआ डायलॉग याद करिए ना, जो अध्याय 2 में उन्होंने लिखा है कि इस विवाद की परिणति ये हुई कि मेरे मन की शांति भंग हो गई। जब उनका बाला साहेब भाटे के साथ उनका गुरु की महत्ता पर विवाद हो गया था, और उधर वहां बाला साहेब भाटे ने अंत में ये कहा कि दाभोलकर जी आप मेरी बात नहीं मानने वाले, मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, चलिए आरती का समय हो रहा है, हम चल करके बाबा के पास चले। तो विवाद तो हमेशा यही मान के चलिए कि हमेशा इसकी परिणति होती है कि दो लोग बहुत फिजिकली पास रहते हुए भी मेंटली दूर हो जाते। हमने देखा है जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हम उसको चिल्ला करके आवाज देते हैं, कोई व्यक्ति पास होता है तो हम उससे फुसफुसा करके बात करते हैं, और विवाद के समय में ऐसा होता है कि मेंटली वो व्यक्ति हमसे इतना दूर हो जाता है कि वो भी आवाज उठा करके बात करता और हम भी आवाज उठा करके बात करते, और अंत में क्या होता है कि हम भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और इस बात का कोई फायदा होता नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्कस फुल स्टॉप, डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट यानी विवाद, विवाद का अंत इसी बात में होता है कि कौन सही है, जी बातचीत का अंत होता है कि क्या सही है।
यदि कोई विवाद में पड़ रहा है, हम कोशिश करें, हम अपनी वन अपमैनशिप ना दिखाएं, और यदि हमको दिखानी है तो हम समय का इंतजार करें कि हमारी बात अपने आप सत्य होकर के उभरे। बेकार में विवाद में पड़ करके फिर हमको भी यही कहना पड़ेगा, जैसे दाभोलकर जी ने स्वीकारोक्ति करी है कि इसका अंत ये हुआ, इसकी परिणति ये हुई कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। तो कोशिश करें विवाद में ना पड़े। होता है, जीवन में ये सब चलता रहता है, हमारी अपनी कमजोरियां है, हमारा अपना स्वभाव है, जिसके चलते हम लोग ये सब में पड़ते हैं। लेकिन जितना कोशिश करें कि साई सच्चरित्र से ये मोती लें, अमृत की बूंदें लें, और अपने आप को थोड़ा बहुत भी अनुग्रहित कर सके तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। बाकी विवाद जो है वो उसका फायदा कुछ होना जाना होता नहीं। मेरे को इस क्वेश्चन पे एक बात बोलनी थी सुमित जी, कि ऐसा हो सकता है कि अपन के फैमिली में अपन मतलब भगवान ने अपन को जगह जगह फिट कर दिया, लाइक राइट, कोई मदर इन लॉ, कोई सिस्टर इन लॉ, बट हो सकता है अपना अपन लोग फिट हो गए वहां पे, बट अपना ऋणानुबंधी ना उनसे और अपन अपनी तरफ से जबरदस्ती अच्छा बन बन कर। जी नहीं होगा ऋणानुबंध, तो आप स्वयं देखेंगे कि वो व्यक्ति अपना ऋणानुबंध समाप्त होने पर आपसे दूर हो जाएगा या आप स्वयं उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। ये ऋणानुबंध को उसका काम करने दीजिए, एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है ये जितना आपका उसका लिखा हुआ लेन देन वो होगा, और जो नहीं होगा जब उसका खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप वो विड्रॉ कर जाएंगे, आप विड्रॉ कर जाएंगे। तो ये बात अपने सखे भाई बहन माता पिता से भी के साथ लागू होती है। देखिए इसीलिए तो जीवन मरण का भी तो एक चक्कर है ना, कि जिससे आपके ऋणानुबंध समाप्त हो जाता है, हमारे माता पिता होते हैं या हमारे घर में कई बार हमसे कुछ जो होते हैं उम्र में कम लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऋणानुबंध समाप्त होने पर अपने दूसरे जन्म की ओर या अपने दूसरे परिधान की ओर निकल जाते हैं। तो ये सब भी एक ऋणानुबंध समाप्त होने का ही एक तरीका है जिसको हम देखते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के जीवन से दूर चले जाते हैं, बहुत मिनिमम ट्रांजेक्शन उनके बीच में रहता है, बहुत एक्सचेंज बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब आप मान के चलिए कि ऋणानुबंध है वो अपना असर दिखा रहा है, इसमें हम जो है वो बंधे हुए हैं, और बेकार में हम किसी चीज को खींच खींच करके ऐसा ना करें कि जिसके चलते हमको और ऋणानुबंध में बंधना पड़े। बट यू नो अपने पेरेंट्स अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है ना। आप क्यों तोड़ रहे हैं? आप तोड़िए मत ना, परिस्थितियां ऑटोमेटिकली ऐसी बन जाएगी कि आपका रिश्ता टूट जाएगा। टूट गया ना, तो आप इसका दुख जरूर मना सकते हैं, लेकिन आपको ये मान करके, क्योंकि जो चीज आपके परिक्षेत्र में नहीं आती, आपके परव्यू में नहीं आती और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इस बात से रिकंसाइल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आपका उनके साथ ऋणानुबंध इतना ही था और इसके आगे उसमें और कुछ बचा नहीं था। पर याद आती है तो फिर आंसू आते हैं, फिर बाबा से प्यार होता है, ये सब आएगा। और उनकी कमी की पूर्ति करने के लिए तो साईं हमारे जीवन में है, क्योंकि साईं के साथ हमारा ऋणानुबंध ऐसा है कि वो कभी पूरा होने ही नहीं वाला है। हम उनसे मांगते ही रहेंगे और वो हमको देते ही रहेंगे, पता नहीं कैसा ऋणानुबंध है हमारा उनके साथ। तो हमारे जीवन पे आते हैं वो इसीलिए है कि हमारे जीवन की कमियों को पूरा कर सके। जैसे इन हाथों की उंगलियों का है कि उंगलियों के बीच में जगह ही इसलिए रहती है कि वो एक दूसरे में समा सके। तो साईं के साथ भी हम जो है वो इन्हीं दो हाथों की उंगलियों के तरह से ही है कि हम एक दूसरे के अंदर समा सके। इसी कनेक्शन में एक और ना सवाल आया है कि गलत लोग हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं? क्या ये भगवान की मर्जी होती है? जी भगवान की मर्जी नहीं होती है, हम उन लोगों को अपने कर्मों से अट्रैक्ट करते हैं जो या इस जन्म के होते हैं, पिछले जन्म के होते हैं, कुछ साल पहले के होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कारण बन जाता है, क्योंकि हम पिछले जन्म की यादें लेकर के नहीं आते, बट चूंकि कर्म का सिद्धांत होता है कि कर्म जो है वो अपना फल दिए बिना कभी शांत नहीं होता है। जैसे डॉक्टर पिल्लई का किस्सा आता है श्री साई सच्चरित्र में, उनके पैर में नासूर पड़ गए थे और उनको जब बाबा ने कहा कि अब तुमको इतना दर्द हो रहा है और तुमको इससे मुक्ति चाहिए, तो चुपचाप तुम 10 दिन के लिए इस दर्द को सहन कर लो। बट इन्होंने अपनी बुद्धि चलाई और बाबा से ये कहा कि बाबा आप तो कुछ ऐसा कर दो कि मेरे ये जो 10 दिन के पाप है ये आने वाले 10 जन्मों में एक एक दिन करके कट जाए। तो बाबा ने कहा कि मूर्ख आदमी, यू शट अप, तुम समझो बात में तुमको क्या कह रहा हूं कि जो चीज तुम्हारी 10 दिन में कट जाने वाली है उसके लिए तुम 10 जन्म भुगत रहे हो, क्यों तैयार? तो सिमिलरली जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, गलत व्यक्ति, हम उसको कहें जिसको आप गलत व्यक्ति कह रहे हैं,
वो भी ऐसे किसी ऋणानुबंध में हमसे बंधा हुआ है कि उसको हमसे कोई ना कोई फायदा उठा करके जाना है, तो आपके साथ जब कभी ऐसा हो और आपको ये लगे कि आपका नुकसान हो गया है, उसके बाद भी जब आप ये महसूस करेंगे आपका नुकसान नहीं हुआ है, आप इस वाक्य की गहराई को समझिएगा कि आपको त्वरित तो ये लगता है कि आपका नुकसान हो गया, बट इन द लॉन्ग रन आप ये समझते हैं कि आपका नुकसान नहीं हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति अच्छा हुआ हमारे जीवन में आया, हमको तकलीफ दे करके गया, हम इस ऋणानुबंध से मुक्त हो गए। जैसे कि डॉक्टर पिल्लई अब्दुल बाबा के उसके नासूर पर पैर रखने के बाद उन नासूर के कीड़ों से मुक्त हो गए थे। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में होंगी, कोई अच्छे अनुभव ले दे करके जाएगा, कोई बुरे अनुभव दे करके जाएगा, बट इन दी एंड ये सारे अनुभव हमको स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि इन अनुभवों के बाद हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता, हम अपने अगले दिन अगले क्षण एक नए जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं और हम उन अनुभवों से स्ट्रांग होते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो ये बाबा की मर्जी से है कि कोई ना कोई आया है और बाबा ने आपको मुक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा है, तो मुक्त हो जाएंगे। यकीन मानिए मेरी बात को कि बहुत लोग आते हैं हमको तकलीफ देकर के जाएंगे, बट ठीक है गए ना, काम खत्म।